सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक में नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। नीतीश ने साफ कहा है कि वो शुरुआत से ही अपने रुख पर कायम हैं, उन्हें किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आगे की प्रक्रिया में तेजी हो और इसको लेकर वो पहल हो। लगातार वो बोलते रहे, लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग पर सवाल हुआ, सीएम नीतीश ने इशारा कर दिया तेजस्वी की तरफ। वीडियो में आप देख सकते हैं साफ तौर पर, और तेजस्वी जवाब भी देने लगते हैं। सीएम नीतीश सोमवार को पटना में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इसके बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और इंडिया गठबंधन में चौथी बैठक पर 6 दिनों बाद अपनी चुप्पी वो तोड़ रहे थे और बैठक में क्या क्या हुआ उसके बारे में भी सिलसिलेवार तरीके से मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे थे। नीतीश कुमार ने इस दौरान ने साफ किया कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी, संयोजक बनाए जाने की बात हुई तो मैंने खुद ही मना कर दिया कि मेरी इच्छा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर रहें। नीतीश ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि मीटिंग में हमने कह दिया है हर राज्यों को तय करना है, अब सब एक बार तय कर लीजिए, फिर बैठ करके ये सारा कुछ तय करना है कि किसको कहां सीट मिलेगी और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये लगातार नीतीश कुमार कहते आ रहे हैं, लेकिन नाराजगी की खबरों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो जरा भी नाराज नहीं है, जिनको बनाना है उनको बनाइए, इच्छा भी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी बात कही। सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है। कोई मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आप हुई क्या बैठक के बाद? आपको कुछ बनाया नहीं क्या कन्वीनर इंडिया? अरे आप तुम बता दे, हमारी इच्छा नहीं थी सब बात हो, तुमने कहा कि नहीं नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एक अभी हाल में हमने कीमत कह दी है कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा तो फिर लड़ेगा। अब इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं, हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं, एक बच गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अवकारा था उनको, हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है, आप नहीं जानते हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है, लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि बिहार में आखिर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कैसे सुलझेगा? क्या नीतीश, तेजस्वी, कांग्रेस और वामपंथी दल, चूंकि इन्हीं सभी दलों को तय करना है, ये आपस में इतनी आसानी से ये गुत्थी कब सुलझाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।